नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूरज पटेल और आप मेरे साथ देख रहे हैं एनएन न्यूज दिल्ली एनसीआर। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में भीषण जलभराव की समस्या देखने को मिली है, जिस वजह से दिल्ली की जनता परेशानियों का सामना कर रही है। कुछ यही हाल टीकरी बॉर्डर मेट्रो स्टेशन के पास सड़क किनारे अस्थायी झुग्गियां बनाकर रह रहे गरीब लोगों का हो रहा है, जो झुग्गियों में पानी भरने के कारण सड़क पर रात बिताने पर मजबूर हैं। आप देख सकते हैं, ये नज़ारा उन्हीं झुग्गियों का है जिसमें राजस्थान से आए हुए लोग पिछले 2 सालों से अपना गुजर बसर कर रहे हैं और इन 2 सालों में हुए बारिश और ठंड के कारण हर बार परेशान होते हैं, परंतु इस बार की परेशानी ने इनका बुरा हाल कर दिया है, जिससे पार पाने के लिए यह अलग अलग तरीके अपना रहे हैं ताकि बारिश का मौसम गुजर जाने तक वह किसी तरह जीवन यापन कर सकें। जी, यहाँ पर कुछ दिनों से बारिश हो रखी है तो पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। हमारे देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी बहुत परेशानी हो रही है। हमें यहाँ पर बैठ नहीं सकते, बाहर नहीं निकल सकते, खाना पीना भी नहीं बना सकते, बैठ के झुग्गियों में भी काफ़ी पानी भरा हुआ है। क्या करें, बहुत मुसीबत हो रही है, हमारी कुछ हेल्प करो आप। इन लोगों का कहना है कि दिल्ली में हो रही लगातार बारिश के कारण पानी अब उनकी झुग्गियों में घुसने लगा है, जिससे सबसे अधिक परेशानी छोटे छोटे बच्चों को होती है और इस परेशानी से निजात पाने के लिए वह लोग डिवाइडर पर चारपाई बिछाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। परेशानी केवल यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कई बार समस्या इतनी बढ़ जाती है कि उन्हें पूरी पूरी रात सड़क पर ही बितानी पड़ती है। बारिश का पानी बहुत भरा रहता है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, इसको यहाँ मेट्रो के पुल के नीचे लेकर बैठते हैं, बहुत परेशान होते हैं। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाएं और हमारे न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें।